रहे हैं यार, बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। घर वाले बोलते हैं टेंशन होना चाहिए एग्जाम का, वरी करो, और उधर मोदी जी कहते हैं टेंशन मत करो। अब हम बेचारे स्टूडेंट्स करें तो करें क्या? एक काम करते हैं, मोदी जी से ही पूछ लेते हैं। चलो तो 29 जनवरी 2019 को पीएम से जुड़ बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था। उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एकाध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा। और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एकाध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। होना बहुत जरूरी है, कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी का मतलब है। और दूसरी बात है प्रेशर, कभी कभी तो वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने नहीं करना चाहिए। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन